हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर साइंस सेशन। एंड टुडे इज डे 3 ऑफ पार्ट 3 ऑफ अवर साइंस सेशन। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट पोलर बियर और हाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पोलर बियर और व्हाट आर द इन्वॉल्वमेंट और विच इज द इन्वॉल्वमेंट इज कंफर्टेबल फॉर पोलर बियर। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन्स। ऐसे हैबिट्स एनिमल्स की जो माउंटेन्स पर लिव करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, माउंटेन्स रीजन्स आर वेरी कोल्ड प्लेसेस। जो माउंटेन रीजन्स होते हैं, जहां पर पहाड़ होते हुए है ना, तो वो रीजन कैसे होते हैं, ठंडी जगह के रीजन होते हैं। जैसे कि हिमालय, हिमालय क्या है, एक कोल्ड रीजन है। द हायर रीजन्स ऑफ माउंटेन्स हैव लेस एयर। जहां पर जैसे हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, ऐसे एरिया है, वहां पर ठंड होने की वजह से कभी कभी बर्फ भी गिरती है। तो बर्फ गिरने की वजह से वहां पर क्या होती है, कम अमाउंट पर एयर होती है। एनिमल्स लिविंग हियर आर एडेप्ट टू कीप देमसेल्फ वार्म एंड लिव लेस इन एयर। तो ऐसे जगह पर, मतलब जैसे कि माउंटेन्स पर जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी क्या हैबिट होती है, वो वार्म होने के लिए वार्म कीप देमसेल्फ, वो खुद को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं और कम एयर में भी वो वहां पर सरवाइव करते हैं। याक्स, स्नो लेपर्ड्स, लामास एंड माउंटेन गोट्स लिव इन माउंटेन्स। तो देखो क्या क्या एग्जांपल्स दिए उन्होंने। याक्स, देखो याक का पिक्चर दिख रहा है, कैसे बहुत सारे याक को हेयर है। देन लेपर्ड्स, लामास, स्नो लेपर्ड्स, लामास एंड माउंटेन गोट्स। देखो माउंटेन गोट भी कैसी वहां पर पिक्चर में शो है। दे हैव अ थिक लेयर ऑफ एयर विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। एक थिक लेयर होती है एयर की, जो क्यों होती है वो, ताकि वो खुद अपने खुद को ठंड से प्रोटेक्ट कर सके। दे ऑल्सो हैव मोर रेड ब्लड सेल्स देन अदर एनिमल्स एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स से उनके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो होते वो ज्यादा होते। क्यों? दिस हेल्प्स देम टू ऑब्टेन इनफ ऑक्सीजन इवन फ्रॉम लेस एयर। तो रेड ब्लड सेल्स क्या हेल्प करते हैं, इनफ ऑक्सीजन, मतलब उनको सर्वाइव करने के लिए जितना ऑक्सीजन होता है उसके लिए वो हेल्प करते हैं रेड ब्लड सेल। अब देखो स्टोन्स क्या होता है, अगर ये माउंटेन वाले एनिमल से अगर वो माउंटेन पर लीव करते हैं, तो जितना आप ऊंचाई तक जाओगे ना, उतनी ही ऑक्सीजन की लेवल क्या होती है, कम होते जाती। तो ये एनिमल्स जब ऊपर जा, सो ये एनिमल्स जितना ऊंचा जाएंगे उतनी ऑक्सीजन की लेवल कम होगी, तो फिर सरवाइव कैसे करेंगे। तो इसीलिए इनके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा से ज्यादा होते हैं। सो हियर एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन्स। तो क्या क्या बॉडी फीचर्स है इनके, इनके जो स्किन है वो थिक है, और किससे थिक लेयर है, किसकी, हेयर की, और इनके अंदर रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं। नाउ डिड यू नो स्टूडेंट्स, बर्ड्स दैट लिव इन वेरी कोल्ड रीजन्स फ्लाई अवे टू वार्मर रीजन्स इन विंटर। देखो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड रीजन में रहते हैं विंटर में, लेकिन वेरी कोल्ड फ्लाई अवे टू वार्मर रीजन्स इन विंटर। जब विंटर में ज्यादा ठंड होती है तो वो बर्ड क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं विंटर सीजन में। द बार हेडेड गीज that live in the Himalayan regions are seen near lakes and wetlands in several places in India during the winter months. अब ठंडी के सीजन में ये जो birds है, बार हेडेड गीज, ये हिमालय रीजन में रहती है, लेकिन जैसे हिमालय रीजन में ठंड पड़ती है, विंटर सीजन आता है, वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते हैं। कहाँ मूव होते हैं, लेक्स पर, wetlands पर। इंडिया में बहुत जगह पर ये ठंडी के दिनों में पाए जाते हैं। देखो पिक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड अ बार हेडेड गीज। इस तरह का एनिमल है जो क्या होता है, ठंड में गर्मी जहां होती उस जगह पर वो जाता है खाने की तलाश में, या फिर उन्हें वो रीजन सुटेबल होता है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन ऑफ फिश। अब फिश में कैसे एडेप्ट है, कौन से हैबिट्स है, उसके कौन से फीचर्स है, ताकि वो सुटेबल होता है पानी में रहने के लिए, ये अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फिश आर एक्वेटिक एनिमल्स। वी नो वेरी वेल और एवरीवन नो दैट फिश लिव इन वाटर। सो दे आर एडेप्टेड टू लिव
ओनली इन वॉटर। क्या है उनके हैबिट? फिश हमेशा पानी में ही रहता है। कभी किसी ने देखा है दैट फिश लिव्स इन लिव्स ऑन लैंड? नो, वी नो वेरी वेल, बचपन से सीखते आ रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो फिश है वो कहाँ रहता है? पानी में रहता है। द शेप ऑफ द बॉडी, उसके जो बॉडी का शेप है, द स्केल्स दैट कवर्ड द बॉडी एंड द फिन्स हेल्प फिश टू स्विम। उसकी बॉडी का शेप ही ऐसे बनाया है और उसकी जो स्केल्स है वो जो बॉडी को कवर करते हैं और जो फिन्स है वो ही वो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फिश को पानी में तैरने के लिए, स्विम के लिए हेल्प करते हैं। फिश ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वॉटर। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है फिश को? जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ होता है वहां से फिश क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। जो फिश के गिल्स होते हैं उसमें से वो क्या करता है, पानी में डिजॉल्व हुआ ऑक्सीजन लेता है। दे कैन नॉट ब्रीथ एयर लाइक वी डू, वो एयर ब्रीथ नहीं कर सकते जैसे हम ब्रीथ करते हैं हमारी नोज से। अब देखो स्टूडेंट्स, फिश की बॉडी ही ऐसे बनाई गई है ताकि वो पानी में स्विम कर सके और ऐसे ही उसके फीचर्स है ताकि वो पानी में ही सांस ले सके। अब देखते हैं डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कैसे फिश क्या करता है। टेक्स इन वॉटर थ्रू द माउथ, फिश क्या करता है माउथ में से वॉटर लेता है। आप अगर देखोगे स्टूडेंट्स कभी आप ऑब्जर्व करोगे तो फिश अगर जब सांस लेता है ना तो उनके मुंह से उनके माउथ से क्या बबल्स निकलते हैं। इसका मतलब फिश क्या करता है, अंदर वॉटर ले रहा है। सेकंड, द गिल्स आर फिल्ड विद ब्लड, गिल्स में क्या होता है ब्लड होता है। वेन वॉटर पासिस थ्रू ओवर द गिल्स, जब गिल्स पर से पानी पास होता है द ब्लड टेक्स इन द ऑक्सीजन रिप्रेजेंट इन द एयर, और जो गिल्स में ब्लड प्रेजेंट होता है वो पानी में का क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है जो उस पानी में प्रेजेंट होता है जो फिश अंदर ले रही है। थर्ड इज वॉटर पासिस ओवर द गिल, और क्या होता है फिर वो वॉटर इस गिल्स में से पास होता है एंड कम्स आउट ऑफ द फ्लैप, गिल्स में से जाने के बाद ये जो फ्लैप दिख रहा है ना आपको ऐसे फ्लैप की तरह उसमें से वो पानी बाहर आ जाता है। सो क्या है, देखो फिश क्या करता है पानी अंदर लेता है माउथ से, फिर पानी कहाँ जाता है गिल्स में जाता है जहां पर ब्लड प्रेजेंट होता है। वो ब्लड क्या करता है पानी में जितने भी अमाउंट में ऑक्सीजन होता है वो ले लेता है और जो पानी है जैसे कि फ्लैप है ऐसे फ्लैप है उसकी उसके थ्रू बाहर निकलता है। तो ये है सारे फीचर्स और कुछ हैबिट्स जो फिश को क्या करते हैं पानी में रहने में के लिए हेल्प करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशंस इन डेजर्ट एनिमल्स। अब एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट एनिमल मतलब हमारे माइंड में एक ही पिक्चर आता है विच इज कैमल। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम डिटेल्स अबाउट कैमल्स। कैमल्स हैव सेवरल एडेप्टेशन दैट एनेबल देम टू लिव इन डेजर्ट, कुछ ऐसे हैबिट्स है जो उसे हेल्प करती है कहाँ रहने में, डेजर्ट में रहने में। सो हियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी लर्न अबाउट एडेप्टेशन अबाउट कैमल। देखो कुछ फीचर्स है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसे देखेंगे। सो फर्स्ट क्या है, आई, आई का पिक्चर दिख रहा है आपको, यस, लॉन्ग आई लैशेस प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सैंडी विंड्स। देखो स्टूडेंट्स डेजर्ट रीजन में बहुत मतलब ज्यादातर बहुत सारी विंड होती है, स्ट्रॉम्स आते हैं है ना, बहुत सारे ऐसे धूल मिट्टी उड़ती है वहां पर, तो ऐसे आई लैशेस होते हैं उसके बड़े बड़े। देखो पिक्चर में दिख रहा है ना आपके, ये देखो ये बड़े बड़े आई लैशेस है, क्यों, ताकि वो उसके आईज को प्रोटेक्ट कर सके किससे, धूल से। नाउ नेक्स्ट इज इनर पोर्शन ऑफ माउथ इज लेदर लाइक, दिस अलाउज कैमल टू च्यू थॉर्नी डेजर्ट प्लांट्स। और उसका जो माउथ है ना, जो पोर्शन है माउथ के अंदर का वो कैसे है, लेदर का। लेदर का मतलब क्या, ऐसे फ्लेक्सिबल तो है लेकिन ऐसे कड़क है, हार्ड है, क्यों, ताकि ये जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट पर उसे वो खा सके, इसीलिए उसके जो इनर माउथ है वो कैसा है, लेदर के जैसा है। नाउ नेक्स्ट इज नॉस्ट्रिल्स कैन बी क्लोज्ड एंड ओपन एट विल,
दिस प्रोटेक्ट नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग साइन स्टॉर्म। देखो मैंने बोला चक्रीवादल, जैसे कि धूल का वादल हो, ऐसे स्टॉर्म्स आते रहते हैं डेजर्ट रीजन में बहुत से, तो इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके जो नॉस्ट्रिल्स है, जो नोज है, ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं स्टूडेंट्स ये वाले, है ना, तो ये क्या होते हैं, ओपन भी होते हैं और क्लोज होते हैं। तो कैमल्स क्या करते हैं, जब बहुत तेज हवा होती है तो ये नोस्ट्रिल्स बंद कर लेते हैं ताकि जो धूल मिट्टी उनके नाक में ना जा सके, इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं उससे ओपन और क्लोज करके। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड इज स्टोर इन द हम एज अ फैट। देखो मैंने पहले ही बोला है स्टूडेंट्स, फैट क्या है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है एक कंटेंट है। तो आप देखोगे कैमल में ऐसे बॉडी में एक डोम शेप का बना हुआ होता है, एक्चुअली वो किस लिए होता है, वहां पर एक्सेस अमाउंट का फूड स्टोर करता है कैमल। एक्सेस मतलब जो ज्यादा अमाउंट में फूड होता है वो फैट की तौर पर इस हम्प में वो क्या करता है, स्टोर करता है। द स्किन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंटेंस हीट, और इंटेंस हीट मतलब ऐसे थोड़ी कि वहां पर हर टाइम हवा ही चलती होगी, डेजर्ट में समर सीजन में इतनी तेज धूप होती है स्टूडेंट्स, इतनी तेज धूप होती है वहां की मिट्टी भी बहुत गर्म हो जाती है, तो हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी स्किन भी कैसे होती है, ठीक होती है, जाड़ी मोटी होती है। नेक्स्ट लॉन्ग लेग्स कीप द बॉडी अवे फ्रॉम सैंड वॉर्म, और जो बड़े बड़े लेग्स होते, अगर सपोज इसके छोटे लेग्स होते तो वो जो सैंड गर्म हुई होती है धूप की वजह से, उसकी हीट भी उनके स्किन को लग सकती थी यहाँ पर, इसलिए उनके पैर ही ऐसे बनाए हैं जो लंबे लंबे हैं ताकि जो सैंड की जमीन की हीट है उनके बॉडी तक पहुंच ना सके। सो नेक्स्ट इज टोज आर जॉइंट टूगेदर टू प्रिवेंट सिंकिंग इन टू द लैंड, और उसके टोज भी देखो कैसे बनाए, एक दूसरे से ज्वाइन है यहाँ से, क्यों, ताकि जो उनके पैर है जब वो सैंड में चलेंगे तब उसमें जा ना सके, उनकी प्रॉपर ग्रिप बैठ सके उस सैंड पर, वो प्रॉपर तरीके से चल सके, इसलिए उनके फिट ऐसे बनाए। देखो स्टोन्स ये पीछे से ऐसे दिखता है और आगे से ऐसे ज्वाइन होते हैं, अगर अलग अलग होंगे तो वो जो उनके फिंगर्स है वो उस सैंड में घुस जाएंगे और उन्हें चलते नहीं आएगा। सो लार्ज पैडेड फीट हेल्प इन वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड, जो रेत होती है उस पर लार्ज पैडेड मतलब ऐसे बड़ा पंजा है ना, वो हेल्प करता है उसे चलने के लिए रेत पर। बॉडी फीचर्स दैट हेल्प कैमल लिव इन अ डेजर्ट, तो ये सारे कैमल के बॉडी फीचर्स है ताकि वो क्या रह सके, डेजर्ट में इजीली सर्वाइव कर सके। तो इतने सारे कैमल्स के बॉडी फीचर्स है जो हमने डिटेल में स्टडी किए। आई होप स्टूडेंट्स आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ टुडे वी विल एंड अवर सेशन हियर, इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विद अवर न्यू टॉपिक, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।